एक ऐसा सिनेमा है जो भाषा के परे जाता है, संदर्भ के परे जाता है, एक ऐसे अंतरिक्ष में आपको ले जाता है जो आपने कभी, जिसकी अनुभूति है, जिसका अनुभव आपको कभी हुआ नहीं है। ये सिनेमा एक एहसास को, एक अनुभूति को आपके सामने इस तरह से प्रकट करता है कि वो अनुभूति आपकी खुद की बन जाती है। ऐसे इस तरह से इतनी गहराई में, पात्र में, कहानी में पिछले इतने सालों में कोई सिनेमा गया नहीं है। मैं भी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ सिनेमा दैट ट्रांसेंड्स लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। इट्स इजीली वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ सिनेमा ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सिनेमा। एंड दिस इज अ फिल्म दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम एज अ फिल्म दैट अलाउड अस टू हैव इनसाइट्स इन पीपल एंड कैरेक्टर unlike anything before. All right, thank you. आई थिंक ये पहली पंजाबी फिल्म है जो कैन में इसने प्रीमियर किया था अनसर्टेन रिगार्ड में आसान के साथ पिछले साल, और ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था। एंड गांव की कहानी है, पंजाब के गांव की कहानी है, और मेरी फैमिली पंजाब के हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से, छोटे से गांव से है। तो जब मैंने ट्रेलर देखा था बहुत कनेक्ट किया था। रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आने वाली। देखिए अभी तो कुछ कुछ बातें चल रही हैं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात चल रही है, बट जिस दिन कॉन्क्रीट हो गया तो पता लग जाएगा। आपकी छोटी भाई की हॉलीवुड ये बहुत सब्जेक्टिव है, सबका आई थिंक अपना अपना राय होता है उस मामले में। किसी के लिए जैसे मेरे लिए दो एक साल पहले तक डेब्यू करना ही एक बेंचमार्क था, डेब्यू हो गया है। बट आई थिंक वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि किसके लिए हॉलीवुड बेंचमार्क है या नहीं है। जिस तरीके से फिल्में बन रही, पिछले साल भी बनी, इस साल भी बनी, बहुत फ्रेश आइडियाज आ रहे हैं, बहुत फ्रेश कंटेंट ओरिएंटेड आइडियाज आ रहे हैं, और लोग इसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सी कोई भी चेंज होता है तो वो तुरंत चेंज नहीं होता, इट्स नॉट अ स्विच, धीरे धीरे चेंज होता है एंड विद ड्यू टाइम वो चेंज होता है। ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। एज एन ऑडियंस मैं बहुत अच्छे से, बिकॉज एज एन ऑडियंस मैं वो हूँ जो सुबह सुबह 6 बजे आपके टीवी पे देखते हैं।
जी सनी, मेरा छोटा भाई डेब्यू कर रहा है सनशाइन में, 2nd September को रिलीज हो रही है. वेरी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर द एंटायर फैमिली. पापा उसने 20-25 सालों से एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस इंडस्ट्री में. तो आई थिंक ये टाइम उनको दिखाना कि उनके बच्चे अभी बड़े पर्दे पर हैं, तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है. नहीं नहीं, आई एम ओनली एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी. मैं नर्वस अपनी फिल्म के टाइम नहीं था, तो उसकी फिल्म देखा. And
फिल्म है जो अशोक शर्मा ने डायरेक्ट किया है, तो नाम अभी तक फाइनलाइज हो रहा है, जैसे ही फाइनलाइज होता है हम जरूर बताएंगे। अभी सेंसर से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जैसे वो हो जाता है सबको देखने को। थैंक यू। बहुत अच्छी है, बहुत टचिंग है, और ऐसी फिल्मों को प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसी फिल्म बनाते नहीं हैं और प्रिजर्व नहीं करते हैं। हमारी एक किस्म की पिक्चरें बनती हैं, दूसरी किस्म की पिक्चर जिसको आप देखें, आप लोगों ने देखा नहीं, बाहर बैठे हुए हैं, हाँ तो देखना चाहिए था ना। हाँ जी, एक्स फैक्टर, वो एक्स फैक्टर वाली पिक्चर नहीं है। The essence of the film is that it's a period of a history of, it's not today's, yeah, it's not contemporary, yes. So what it is important in the film is that it's a, it talks of a period with delicacy, with concern and with a lot of love. Haan, jaldi se. नहीं, उनकी एक्टिंग तो नहीं, उन्होंने एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। अरे अभी तो बहुत छोटे हैं यार, 18 साल के टाइम है अभी बहुत। इट्स अ वेरी लवली फिल्म, इट्स गॉट ग्रेट इंटेग्रिटी, उसमें ईमानदारी बहुत है, एक समय हमारे इतिहास में पंजाब में एक दूसरी नज़रिया से, वही जो एक उसमें जो मुद्दे पे द बेसिक सैडनेस ऑफ दैट ऑफ द इशू इन द 80s उन्होंने बहुत इनडायरेक्टली दिखाया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, रूमिनेटिव, सोलफुल, लॉट ऑफ सोल इन द फिल्म। आई रियली एंजॉय इट। I think what I like the most about this movie is its uncompromising attitude to making it cinematic, extracting the meaning from each moment and seeking a lot of nuance. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। क्या हो गया, मैं ही, मेरे वो जो रेन के बूट्स हैं ना। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और ये फिल्म देख के मैं बहुत फूट फूट के रोई हूँ। जो 40 मिनट के ख़त्म होने के बाद मेरा रोना बंद ही नहीं हुआ है। ये फिल्म जो है एक आई थिंक लोगों को देखनी चाहिए, बहुत ही सेंसिटिवली बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस फिल्म को देखने के, और मैं विनती करती हूँ लोगों से कि ये फिल्म थिएटर में जाके देखें। हाँ जी जी, मैं आधी सिंधी हूँ और आधी पिशौरी हूँ। मेरी दादी जो है वो पंजाबी हैं, पर मैंने बहुत सारे फिल्म्स पंजाब में शूट किए हैं, और दे कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ पंजाब इन द 80s वेरी ब्यूटीफुल। आप पंजाबी फिल्में अगर चांस मिले आपको चाहिए? जी, मैं लैंग्वेज जानती नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं ज़्यादातर सिंधी समझती हूँ और हिंदी समझती हूँ, पर क्यों नहीं। आई डोंट थिंक एज एन एक्टर लैंग्वेज शुड कर्ब योर एंथुजियाज़म। अगर मुझे स्टोरी पसंद आई है, अगर पंजाबी, चाइनीज़, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में हो, रशियन, फ्रेंच, मैं कर लूँगी अगर मुझे किरदार पसंद आए। यू हैव टू वॉच द फिल्म, बट इट्स अ वेरी मूविंग। वीरदी वेडिंग, हाँ, वीर मतलब ब्रदर, सो इट्स अबाउट अ वेडिंग। ये मतलब बारिश की वजह से ये हंटर बोट्स है बाबा, ये स्टाइल बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, शुक्रिया।